ओके हाय गाइस, आज हम लोग एक मैंने आपको कल शायद बताया था कि गिट और गिटहब हम क्यों यूज़ करते हैं। तो आज मैं उसको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। मैं गिटहब को गिट और गिटहब में आपको अकाउंट इसीलिए क्रिएट करने बोला था क्योंकि देखो, जावा तो हम सीखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, ऑटोमेशन हम सीखेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम गिटहब उससे पहले सीख लेना हमारे लिए एक एडवांटेज है। जनरली क्या करते हैं, ऑटोमेशन के कोई भी ट्रेनिंग सेशन में गिट और गिटहब को ना बहुत ही कम तवज्जो दिया जाता है, लेकिन अगर हम वो तवज्जो को ज़्यादा कर दें तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोग इसको पहले ही एडवांस कर लें। तो मैं अभी क्या स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सो यू गाइज कैन सी नाउ, कैन यू सी? ओके, सो आई होप एवरी वन ऑफ यू हैव क्रिएटेड एन अकाउंट इन गिटहब। सो आई विल रिपीट अगेन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू विल हैव टू गो टू github.com, और github.com पे यू विल हैव टू क्रिएट योर नॉर्मल यूजर आईडी। जैसे कल कोई भी नॉर्मल साइन लॉग इन करते हो किसी भी रजिस्ट्रेशन पेज पे, तो आप अपना यूजर नेम पासवर्ड दोगे तो यहाँ पर आपका एक आईडी क्रिएट हो जाएगा। मेरा आईडी है ऑटोमेशन हब साथक, वैसे ही पूनम का पूनम यादव 123 होगा, कुछ भी जो भी आप बनाओ आप बना लो, ठीक है? अशरफ ने अपना बनाया होगा, रामू ने अपना बनाया होगा। सो यू गाइज प्लीज मेक योर गिटहब अकाउंट। वंस दिस इज डन, दिस इज एसेंशियल, क्योंकि बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू नॉट नो वॉट यू हैव डन आफ्टर कोडिंग, ठीक है? सपोज दिस इज योर कोड, ओके, यू हैव रिटन द कोड, लेट्स से दिस इज, आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग, लेट्स से यू हैव रिटन योर कोड हियर, ओके। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यू हैव रिटन योर कोड, आफ्टर दिस वॉट, हाउ विल यू प्रोपगेट दिस कोड टू ए सर्टन प्लेस? अपने पास रख के थोड़ी बैठोगे, आपको कहीं इसको मूव करना पड़ेगा, कोई आपको कोड को देखेगा, कोई आपके कोड को रिव्यू करेगा, थोड़े ना हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करके ईमेल में डालेंगे, कहीं ना एक जगह पे तो होगी, एक लोकल जगह होगा या फिर क्लाउड में एक जगह होगा सर्वर में, जहाँ पर हमारा कोड रिव्यू और कोड रिव्यू के ऊपर हम लोग कुछ एडिट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले ही सीख लें, तो कि कल को जब हम जावा सीखने लग जाएं तो आप लोग क्या करो, एक छोटा सा जावा प्रोग्राम लिखा, इमीडिएटली उसको टाइम वाइम डाल के आपने गिटहब में अपना डाल दिया, ताकि कल को आप वहाँ से उठा सको, उसी पे काम कर सको या फिर किसी को शेयर करो। तो हम ये जिप फाइल में, पेन ड्राइव में, गूगल ड्राइव में या फिर कॉपी पेस्ट करके, ये सारी चीज़ें आज से बंद। तो आप जो भी करो यहाँ से करोगे, ठीक है? एक सेकेंड, समबडी हैज जॉइंड आई गेस। समबडी इज जॉइनिंग और समथिंग, वन सेकेंड। कैन यू सी प्रिया? नो, शी हैज नॉट ज्वाइन, शी इज सेइंग ज्वाइनिंग बट आई डोंट सी द इनवाइट। नो, ओके, फाइन, कूल। सो नाउ दिस थिंग इज फाइन। सो देखो, अभी मैं आपको कोड कैसे करते हैं वो तो बताऊंगा ही, लेकिन अब जो कोड कर चुके हैं उसको कैसे आगे बढ़ेंगे वो भी मैं आपको इधर बता रहा हूँ, ठीक है? अशरफ प्लीज, एक सेकेंड, होल्ड ऑन, आई एम ओके। सो नाउ द थिंग इज, वी विल लर्न हाउ वी कैन मूव आर कोड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। उससे पहले वील अंडरस्टैंड दिस, वॉट इज गिट एंड वॉट इज गिटहब। आपने बहुत बार, जैसे मैं अगर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर दूं, ओके, सो आई कैन डू एनी थिंग इन दिस पर्टिकुलर थिंग, मैं अगर ls -l कर दूं या समथिंग, यू नो, वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू हियर, दिस दिस विल गिव मी अ लॉट ऑफ प्लेस, आई कैन मूव एनी वेयर, आई कैन मूव टू एनी प्लेस, मैं चेंज डायरेक्टरी कर सकता हूँ, आई कैन गो टू एनी अदर प्लेस, ओके। सो आई कैन डू एनी थिंग आई वॉन्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कमांड प्रॉम्प्ट, राइट? मैं अगर सी डी करके मैं डी ड्राइव में जाना चाहता हूँ,
So I will be able to do that. One second, why is this thing hanging? So मैं जाना चाहूँ तो आई कैन डू एनी थिंग आई वॉन्ट. सो दिस कमांड प्रॉम्प्ट इज नथिंग बेस्ड ऑन लिनक्स. अगर आप विंडोज आर में आप यहाँ पे पावरशेल इफ़ यू टाइप पावरशेल, दिस इज नथिंग बट एलिवेटेड कमांड प्रॉम्प्ट. वेन दिस इज नथिंग नथिंग बट यू मस्ट बी कोई भी फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक एज रन एज एडमिन करते हो राइट, दिस विल गिव यू एडमिन राइट्स. सो दिस इज एलिवेटेड कमांड प्रॉम्प्ट पावरशेल. आप इस पे ये भी कर सकते हो, यू कैन डू एनी थिंग जो एग्जैक्टली वहाँ पर है यहाँ पर भी हो सकता है. मेरा गिट वर्जन ये है. सो मेरा जावा कॉन्फिगर है कि नहीं, मेरा जावा कॉन्फिगर्ड है, मेरा मेवन कॉन्फिगर्ड है कि नहीं, मेरा मेवन कॉन्फिगर्ड है. सो दिस इज वॉट, दिस इज अ वर्जन कंट्रोल टूल. आप अपने कोड को यहाँ से कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन इस पर्टिकुलर कमांड प्रॉम्प्ट पे आप कोड आगे पीछे कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे सेव नहीं कर रहे हो. सेव करने के लिए हमें एक जगह चाहिए, एक डायरेक्टरी चाहिए. उस डायरेक्टरी का नाम है गिटहब. गिटहब एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डेवलपर्स और हम जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग टेस्ट एक जगह कोड को पुश और पुल करते रहते हैं. भाई तूने पुश किया, डेवलपर वन ने पुश किया, डेवलपर टू ने उसको निकाल दिया, फिर डेवलपर थ्री ने उस पर कुछ चेंजेस किए, फिर डेवलपर वन जाके लेटेस्ट कोड पुल कर लिया, फिर वो अपना कुछ चेंज करके पुश कर दिया, फिर डेवलपर फोर आके सबका लेटेस्ट पुश किया. तो ये पुश और पुलिंग यहाँ पे होती रहती है. ठीक है, ये एक क्लाउड रिपोजिटरी है, ये एक छोटा सा एक सर्वर में हमको जगह मिला है जहाँ पर हम लोग अपना कोड रखते हैं, और उस कोड के आगे पीछे कंट्रोल करने के लिए हमें इससे कहते हैं गिट को वर्जन कंट्रोल टूल. एंड गिटहब इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी और कोड रिपोजिटरी. रिपोजिटरी मीन्स वेर यू स्टोर समथिंग. कंट्रोल वर्जन कंट्रोल टूल मीन्स यू कंट्रोल हाउ यू नो पुश एंड पुल दैट पर्टिकुलर कोड इन टू दिस रिपोजिटरी एंड फ्रॉम दिस रिपोजिटरी. सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. जनरली लोग बोलते हैं गिट एंड गिटहब आर द सेम. नो दे आर नॉट, दे आर टोटली डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर. ठीक है, ये चीज़ आप अपने लोकल पे कर सकते हो, ये चीज़ आप क्लाउड पे होस्ट करते हो, क्योंकि github.com इज नथिंग बट ए www एक सर्वर है, वहाँ पर आप इसको होस्ट कर रहे हो, आप इसको लोकल पे नहीं कर रहे हो. ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें हैं, आप अगर इनको चाहो तो पढ़ सकते हो, ये वीडियो रिकॉर्डिंग तो वैसे भी मिलेगा, बट आपको इतना जानना है कि ये काम आप आराम से कर सकते हो. तो कल मैंने जो आप लोगों को github में अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोला था, और मैंने कल आप लोगों को बोला था कि यू विल टेल मी कि अगर गिट आपने इंस्टॉल किया है कि नहीं, तो आई एक्सपेक्ट कि सब लोगों ने एटलीस्ट इंस्टॉलेशन कर दिया है, किसी का नहीं हुआ इंस्टॉलेशन गिट और गिटहब अकाउंट में, किसने अकाउंट क्रिएट नहीं किया और किसने इंस्टॉलेशन नहीं किया वो मुझे बता दीजिए प्लीज़. किसने अकाउंट, ये वाला अकाउंट किसने, कितने लोगों ने नहीं किया? आई एक्सपेक्ट सबने कर दिया है यहाँ पे. सबने कर दिया. बाकी रामू रामू डिड यू डू दिस? ओके ठीक है, सो रामू वेंट आउट. ओके सो सी नाउ आज मैं अभी क्या करेंगे, आफ्टर वी अभी मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक सिंपल सी एक एक चीजें बताऊंगा जो मैं करते जा रहा हूं, आप लोगों को वही करना है. ओके सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मेरा एक डायरेक्टरी है. ओके ओके ठीक है, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ये कैसे काम करता है. ये काम कैसे करता है मैं आपको बता देता हूं. ओके सॉरी, देखो ये आपका लोकल मशीन है, जो आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो भी है. ठीक है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वट एवर इट इज, ये आपका लोकल है. ठीक है, नाउ देर आर, सो यू हैव डन दिस. ओके नाउ दिस इज योर स्टेजिंग एरिया. गिट का 3 लेवल का आर्किटेक्चर है. दिस इज योर स्टेजिंग एरिया. ठीक है, नाउ दिस इज योर गिटहब रिपोजिटरी.
बेसिकली हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज वी विल राइट आवर कोड हियर, यू राइट योर कोड हियर इन योर एक्लिप्स और वट एवर यू राइट योर कोड. ठीक है, देन वॉट यू डू, वंस यू राइट योर कोड देन यू हैव टू पुश योर कोड. सो वॉट यू विल डू, यू विल पुश योर कोड टू स्टेजिंग एरिया. इन स्टेजिंग एरिया वॉट वी डू, वी प्रिपेयर द कोड टू बी पुश्ड टू रेपो directly. You can also go from here to here, directly you can go, but this is not recommended. I can tell you this method also, but it is not recommended. Generally we follow this particular trick. And now once the code is ready, because you will do certain verifications and all, so this is a good practice. So once this code is ready, you will push it to GitHub repository. Right now hum log yahan par hai local machine mein, ye mera ek local machine hai, theek hai. मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना रहा हूँ, मतलब मान के चलो एक फोल्डर, लेट से विवेक शर्मा प्रोजेक्ट एक है, विवेक शर्मा नाम का एक प्रोजेक्ट फोल्डर मैंने बना लिया. ठीक है, मैं सपोज विवेक शर्मा हूँ, मेरा एक प्रोजेक्ट है. ठीक है, मान लो आपका, जैसे कि मेरा यहाँ पर जो कोड है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे वो ये वाला पर्टिकुलर कोड मेरा कहाँ पर होगा, मैं राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पाथ में मेरा कोड है, तो मेरा यहाँ पे कोड है कुकुम्बर स्केलेटन, मेरा पूरा कोड पड़ा हुआ है. ठीक है, इतने सारे फाइल्स हैं फॉर एग्जांपल. तो मान के चलो अभी हम लोग कोड नहीं कर रहे हैं, मेरा ये एक प्रोजेक्ट है. ठीक है, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है, विवेक शर्मा अंडरस्कोर प्रोजेक्ट, ये मेरा छोटा सा प्रोजेक्ट है. ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ कोडिंग की है, मतलब कुछ फाइल्स मैंने बना रखी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक टेक्स्ट फाइल बना रखा है वर्जन 1. ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे और एक टेक्स्ट फाइल बना रखा है वर्जन 2. ठीक है, और मैंने यहाँ पे बना रखा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वर्जन 3. मान के चलो वर्जन 1 में माई कोड इज कम्प्लीट, कोड कम्प्लीटेड. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन रेडी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोड रिव्यू डन, टेस्टिंग डन, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, मैंने ऐसे कुछ कुछ लिख दिया, इसको बंद कर दिया. वर्जन 2 कोड ऑलमोस्ट रेडी, टेस्टिंग पेंडिंग है. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुआ है. ठीक है, इसका क्या ना, कोड येट टू स्टार्ट, कोड येट टू स्टार्ट है. ऐसे मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ. ठीक है, विवेक शर्मा बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, तो इस प्रोजेक्ट एक पर्टिकुलर मॉड्यूल उसने कंप्लीट कर दिया, सब कुछ रेडी हो गया. ये वर्जन 2 में आधा अधूरा है, बट कोडिंग खत्म हो चुका है, टेस्टिंग बाकी है, इम्प्लीमेंटेशन थोड़े बहुत बाकी है, थोड़े चेक्स करने हैं. वर्जन 3 में अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है थर्ड मॉड्यूल में. अभी मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ आपको ये 3-स्टेज आर्किटेक्चर बताया, अभी मैं यहाँ पे हूँ, मैं अभी यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ. तो पहले मैं क्या करूँगा, जैसे ही आप अपना गिट इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर कर लोगे, इस पर आप अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर जाके राइट क्लिक, कहीं भी ये वाइट वाले एरिया में राइट क्लिक करके गिट बैश हियर बोल के एक आएगा, इधर कर दो आप गिट बैश हियर, पहला चीज़. थोड़ा यहाँ पे वेट करो, कुछ हड़बड़ी मत करो. सबसे पहला कमांड आपका जो कि गिट बैश में है, पहला कमांड है गिट स्पेस स्टेटस. इस कमांड को एकदम घोल के पी जाओ. ठीक है, गिट स्पेस स्टेटस, इस कमांड का मतलब है कि करेंटली आपका प्रोजेक्ट में गिट की क्या अहमियत है. मैं इसको एंटर करूंगा, सो यू विल सी फेटल नॉट ए गिट रिपोजिटरी. दैट मींस यहां पर गिट इनिशियलाइज हुआ ही नहीं है, यू हैव नॉट स्टार्टेड गिट येट, यू जस्ट ट्राइंग टू. सो देन द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू डू इज गिट इनिट. दिस कमांड मींस यू आर इनिशियलाइजिंग गिट इन दिस पर्टिकुलर फोल्डर, आप इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी जो भी प्रोजेक्ट है. थोड़ा वेट करो, यहाँ पे देखो मैंने अभी तक एंटर नहीं मारा, देखो यहाँ पे वर्जन 1, 2, 3 है. मैं जैसे ही इसमें एंटर मारूंगा एक अलग सी चीज हो जाएगी यहाँ पर, देखो डॉट गिट एक हिडन फोल्डर आ गया. ये हिडन फोल्डर देखने के लिए आपको व्यू में ये हिडन आइटम्स पे चेक करना पड़ेगा. अगर आप चेक नहीं करोगे, बोलोगे सर मेरा नहीं आया, तो ऐसे नहीं होता, आपको ये चेक करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ अभी यहाँ पे गिट इनिट हो गया, मतलब इनिशियलाइज हो गया. मैं फिर से करूंगा गिट स्टेटस,
अब देखो गिट स्टेटस में ये तीनों फाइल आपने जो बना रखी है वर्जन 1 वर्जन 2 वर्जन 3 ये तीनों रेड में आ रहे हैं। मतलब भैया देखो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया ठीक है, मैंने हमने वहां पे गिट रेडी कर दिया ठीक है, लेकिन ये तीन फाइलें अभी लावारिस हैं, अनट्रैक्ड हैं। यहाँ पे क्या लिखा है अनट्रैक्ड फाइल्स, ये तीनों फाइल अभी अनट्रैक्ड हैं। मतलब इसको यूज तो करो भाई, कहीं डालो तो आगे तो बढ़ो, ये जो स्टेजिंग है इसमें कुछ स्टेप्स तो आगे बढ़ो। ठीक है बाबा मैंने पहचान लिया, गिट बोल रहा है कि मैंने पहचान लिया कि ये तीनों आपने डाल रखी है, इनको आगे बढ़ाने का है, अब आगे बढ़ाओ। ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूँ एक एक करके आपके लिए कमांड लिख रहा हूँ। तो मैं एक नया नोटपैड बना देता हूँ, मैं आपको एक एक करके कमांड देता जाऊंगा। ठीक है पहला कमांड हमारा क्या है, राइट क्लिक करोगे इन योर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड सिलेक्ट गिट बैश हियर, दिस इज डन। देन योर फर्स्ट कमांड इज गिट स्टेटस, इट विल थ्रो यू एन एरर कि इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, आपको इनिट करना पड़ेगा इनिशियलाइज। एक बार गिट इनिट हो गया देन अगेन डू गिट स्टेटस टू चेक, जैसे ही आप गिट स्टेटस करोगे तो ये आएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अभी इन तीनों को ऐड करो। इन तीनों को ऐड करने के लिए बहुत सारे कमांड्स हैं एडिंग के बहुत सारे कमांड्स हैं, लेकिन आपको सारा का सारा ऐड करना है एक साथ, तीनों फाइलों को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल चाहे वो हुआ नहीं है एक अधूरा है कोई बात नहीं, तो आपका कमांड है गिट ऐड, या तो माइनस माइनस ए दे सकते हो ये भी चलेगा, या फिर गिट ऐड माइनस कैपिटल ए, आपके ऊपर है। इन दोनों का ऑपरेशन सेम ही है, मतलब ऐड एवरीथिंग ऐड ऑल, दिस मीन्स ऐड ऑल, सब कुछ ऐड कर लो, या तो माइनस माइनस स्मॉल ए गिट ऐड माइनस कैपिटल ए, आपकी मर्जी। ठीक है मैं यहाँ पे देता हूँ गिट सॉरी मैं यहाँ पे देता हूँ गिट ऐड माइनस कैपिटल ए। मैं जैसे ही माइनस ए कैपिटल ए कर दिया, अब मैं चेक कैसे करूंगा मेरा ऐड हुआ कि नहीं, वेरी सिंपल गिट स्टेटस। मतलब ये तीनों अनस्टेज्ड हैं, अभी इनको स्टेजिंग में डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट को ऐड कर दिया, मतलब ये बोल रहा है कि भैया ठीक है तूने यहाँ से यहाँ तक ऐड कर दिया, तूने लोकल से कोड को इधर स्टेजिंग एरिया में ऐड कर दिया, देखो ये आपका तीन हो गया, सो नाउ इट इज रेडी फॉर दी स्टेजिंग एक्टिविटी, सो दिस थिंग इज डन। नाउ वॉट, नाउ यू विल हैव टू डू समथिंग एल्स, वी विल स्टॉप हियर राइट नाउ एंड फ्रॉम हियर आई विल गो टू सम अदर प्लेस, वी विल कम टू आवर गिटहब। सो लेट्स से देयर आर मेनी वेज टू क्रिएट अ रिपोजिटरी, दैट मीन्स यहाँ पे वेर यू विल यू एड इन दिस गिटहब, यू विल हैव टू क्रिएट अ रिपोजिटरी, इधर यू कैन क्लिक ऑन दिस प्लस सिंबल एंड क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी, दिस इज वन वे टू डू इट, और एल्स यहाँ पर एक बिल्ली का सिंबल है, बिल्ली आइकॉन है, जस्ट क्लिक ऑन दिस बिल्ली आइकॉन एंड यहाँ पर एक न्यू बटन आएगा, यू कैन क्लिक न्यू हियर ऑल्सो एंड लेट्स से रिपोजिटरी नेम, हमारा रिपोजिटरी नेम है ऑटोमेशन ट्रेनिंग हब। ठीक है सपोज डेट टू फॉर एग्जाम्पल आई एम क्रिएटिंग अ रिपोजिटरी लाइक दिस, ठीक है आई एम मतलब आई एम चूजिंग टू मेक इट पब्लिक, अगर पब्लिक है तो आई कैन शेयर इट विद यू पीपल, इफ आई मेक इट प्राइवेट तो आप लोगों को ये नहीं मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। मैं इसको पब्लिक बनाता हूँ, ठीक है नाउ मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ओके दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, ठीक है बाद में लेट इट एंड, एंड करेंगे तो दोबारा री लॉग इन कर लेना। ओके सो नाउ डिस्क्रिप्शन आई एम चेकिंग बेसिक गिट कमांड्स, ठीक है आई हैव क्रिएटेड दिस रिपोजिटरी। नाउ ये मेरा एक रिपोजिटरी का एक इंफॉर्मेशन पेज है, इस इंफॉर्मेशन पेज को बंद मत कीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ यू विल हैव टू यू व्हाट इज द रिपोजिटरी दैट यू हैव क्रिएटेड, ऑटोमेशन ट्रेनिंग हब डे टू, दिस इज द रिपोजिटरी दैट यू हैव क्रिएटेड। सो नाउ व्हाट यू विल डू द नेक्स्ट कमांड फॉर हियर इज, देखो अभी मैं अपने लोकल पे काम कर रहा हूँ, लेट से आप अपने एक सर्वर पे काम करोगे तो वहां पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, इट्स नॉट दैट ओनली वन पर्सन इज वर्किंग, मेनी पीपल विल बी वर्किंग, सो हाउ विल यू नो दैट एक्चुअली यू आर यूजिंग योर योर ऑथेंटिकेशन, दैट इज ऑल्सो ए चैलेंज राइट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट ओके द कोड विच यू आर यूजिंग इज एक्चुअली योर्स, द डायरेक्टरी द क्रेडेंशियल्स आर एक्चुअली योर्स, दे आर नॉट ऑफ समबडीज एल्सेस। ठीक है सो वट यू हैव टू फर्स्ट डू इज यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू कॉन्फिगर योर
authentication. So git config minus minus global user dot name string में मेरा क्या username है? My username is this is my username automation hub Sarthak. ये मेरा username है automation hub Sarthak. So I'll string में डालूँगा automation hub Sarthak. मेरा configure हो गया. अब मैं क्या दूसरा config करूँगा? git config minus minus global user dot email और यहाँ पे मैं डालूंगा अपना ईमेल आईडी automationhubsarthak@gmail.com. तो मैंने गिट को बोल दिया कि भाई अभी जो ऑपरेशंस में कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मेरा ही यूजर नेम और ईमेल आईडी यूज होगा, किसी और का नहीं. अब आप कैसे कंफर्म करोगे कि आपका ही है? तो एक चेक कर लेते हैं, गिट कॉन्फिग यूजर डॉट नेम मेरा आ गया, बराबर है. अगर मैं इसे चेक करूंगा गिट कॉन्फिग यूजर डॉट ईमेल तो मेरा ही आया, ऑटोमेशन हब Sarthak@gmail ही आया. तो मेरे अब मेरे को पता चलेगा कि भाई मैं ही कर रहा हूँ, कोई और मेरा काम नहीं कर रहा. ठीक है, अभी हम दोबारा गिट स्टेटस कर देंगे. वो बोलेगा कि ये तीनों फाइल अभी भी हैं, आगे बढ़ाओ इसको. ऐड कर दिया आपने, आगे बढ़ाओ. आगे बढ़ाने के लिए ये जो रिपोजिटरी हमने क्रिएट किया था, ये जो रिपोजिटरी क्रिएट किया था इसमें हम कुछ चीजें करेंगे. नेक्स्ट थिंग इज अभी यहाँ पर हमने स्टेजिंग में क्या करना है, हमें इस चीज को कमिट करना है. ऐड तो कर दिया, ऐड करने के बाद हमें कमिट कर... So, किसी को नहीं दिख रहा था स्क्रीन? अरे मुझे लगता है वो जूम का फ्री वर्जन में यूज कर रहा हूँ ना, तो 40 मिनट में कट जाएगा. अभी तो 32 मिनट हो गया, 10 मिनट में कट जाएगा, पता नहीं. अच्छा आपने कहाँ से कहाँ तक नहीं देखा? तो ये git config global यूजर नेम ये सब नहीं देखा था आपने? ओके अच्छा अच्छा मतलब मैं दोबारा वही चीज कर लिया. मैं देखो git status मेरा फेवरेट कमांड है. क्यों? क्योंकि मुझे बताते रहता है भाई तू कहां पर है. ठीक है, मतलब आप कहीं पर भी कुछ भी कंट्रोल कर रहे हो, कुछ भी पुश पुल कर लिया, इधर उधर चेंज कर लिया, जो भी git status बोल मारोगे ना तो बोल देगा भाई आप कहां पर हो. ठीक है, मैंने ये सब करने के बाद फिर से किया. ठीक है, अभी नेक्स्ट कमांड क्या है? git एक सेकंड, मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग हो जाता है, देखो टाइप करने नहीं दे रहा. git commit माइनस एम मेरा पहला कमिट है, फर्स्ट कमिट. ठीक है, मैं ऐसे कमांड दे दिया git commit. अभी क्या होगा ना, मेरा कमिट हो गया. अभी मैं दोबारा git status कर दूं तो बोलेगा कि नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन. अभी बोल रहा है कि ठीक है आप आगे बढ़ जाओ कमिट के लिए, नथिंग टू कमिट. अभी आपका बढ़िया चल रहा है. अब नेक्स्ट थिंग है, आप ये वाला एक कमांड है git रिमोट एड ऑरिजिन, आपके रिपोजिटरी में होगा, git रिमोट एड ऑरिजिन, आपको ये वाला चीज देना पड़ेगा कंट्रोल सी. और यहाँ पे देखो कंट्रोल सी कंट्रोल वी इधर काम नहीं करता, आपको शिफ्ट इंसर्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट इंसर्ट या फिर राइट क्लिक माउस में पेस्ट. कंट्रोल वी मत कर देना इधर git में, नहीं काम करेगा. राइट क्लिक कॉपी, राइट क्लिक पेस्ट. अगर आप कहीं से कंट्रोल सी करके यहाँ पेस्ट करना चाहते हो शिफ्ट इंसर्ट दबाना पड़ेगा, एंटर मार दिया. और एक चीज, अभी यहां पर अगर आप दोबारा git स्टेटस करोगे तो बोल रहा है नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन. अभी आपने रिमोट में एड ऑरिजिन कर दिया. नेक्स्ट है git ये वाला कमांड git push माइनस यू ऑरिजिन मास्टर. ये कमांड ऑरिजिन मेन लिखो मास्टर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ. git push माइनस यू ऑरिजिन मास्टर ऑरिजिन मेन, इट इज अप टू यू, सेम चीज. अभी मैं करूंगा ना मेरा काम हो जाएगा. ये मेरा हैंग क्यों हो रहा है? देखो मेरा काम हो गया, मेरे कोड सारा हो गया. अभी मैं git स्टेटस करूंगा ना तो वो वही बोलेगा आवर ब्रांच इज अप टू डेट विथ ऑरिजिन मास्टर. मतलब मास्टर में आपने कोड पुश कर दिया तो हमने यहाँ पे ऐड किया, इधर कमिट किया स्टेजिंग एरिया में, स्टेजिंग एरिया में कोड को इधर पुश कर दिया.
तो अभी मैं अपने GitHub अकाउंट में जाऊंगा और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। तो देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो मेरा क्या था, ऑटोमेशन हब ट्रेनिंग डे 2। मैं इसको क्लिक करूंगा ना, ये मेरा रिपोजिटरी है। देखो एक मास्टर है, एक मास्टर ब्रांच एक ही है, और मेरा कोड यहाँ पे आ चुका है। देखो आप अगर चाहो तो यहाँ पर भी कुछ कुछ कर सकते हो, आपके ऊपर है। देखो तीनों चीज़ें जो मेरी यहाँ पर थी यहाँ पर आ चुकी हैं। लेकिन आप लोग अगर यहाँ तक कर लोगे, आप गिट रिमोट एड ओरिजिन तक कर लोगे, जैसे ही आप ये गिट पुश माइनस यू ओरिजिन मास्टर करोगे, आपको अलाउ नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा मैं बताऊंगा। मैं मुझे अभी ये बताने के लिए मुझे कर देगा, क्योंकि मैंने वो तरीका ऑलरेडी कर दिया है। तो मैं मुझे किसी को होस्ट बनाना पड़ेगा वो एरर को दिखाने के लिए। सो हु वॉन्ट्स टू बी द होस्ट? हाँ तो हाँ, सो हु वॉन्ट्स टू बी द होस्ट? ओके, मोर मेक होस्ट। ओके सो निकी, आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए। भाई लोग ये 3 मिनट में जूम शायद बोल रहा है कि निकल जाएगा। अगर निकल गया कोई नहीं, अगर आप निकल गया तो व्हाट्सएप पे पिंग कर देना कि सर हो गया। तो मैं क्या करूंगा, ब्रिज बंद करूंगा, दोबारा ब्रिज स्टार्ट करूंगा, तो हमें और 40 मिनट मिल जाएगा। ठीक है ना? ओके निकी, आप अपना एक क्रिएट रिपोजिटरी करो, कुछ भी दो, नो इश्यूज। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं, ऑप्शनल है, वहां पे एस्ट्रिस्क नहीं है। इट इज अप टू यू, आपको देना है नहीं देना इग्नोर करो। टाइमनेस पब्लिक रखो और क्रिएट रिपोजिटरी पब्लिक ही रहने दो उसको, उसमें कुछ नहीं करना, लाइसेंस वाइसेंस कुछ नहीं। हाँ ठीक है, इसको यहाँ पड़े रहने दो। चलो आपने मैनेजर से विवेक शर्मा एक प्रोजेक्ट बनाया, आप अपना प्रोजेक्ट दिखाओ जो भी। नहीं, एक हेलो सेलेनियम लो, एक्लिप्स वाला मत लो। ओके हाँ, अब अच्छा यहां पर क्या करना पड़ेगा, अंदर जाओ, हेलो सेलेनियम के अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर यहां पे। अच्छा यहां पर बीच में सफेद में कहीं पर भी राइट क्लिक करके गिट बैश शेयर करो, गिट बैश शेयर। ओके थोड़ा वेट करो, टर्मिनल को आने दो। पहला कमांड क्या है, गिट, वेरी गुड, गिट स्पेस स्टेटस, एंटर। देखो बोला है कि नॉट ए गिट कमांड, मतलब गिट यहां पे इनिशियलाइज हुआ ही नहीं है। तो अभी गिट इनिशियलाइज क्या करने के लिए क्या है, गिट स्पेस। हाँ माउस खरीदा या अभी भी टचपैड पे काम चल रहा है? ये टच खरीद लिया, ओके वेरी गुड। तो अभी वापस हम गिट स्टेटस करेंगे, देखो आपका पूरा कोड रेड में आ गया। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि अभी अनट्रैक्ड है, मतलब ना आपको इस पे ऑपरेशंस करने बाकी हैं। तो ऑपरेशंस करना क्या है, अच्छा कट गया, ओके सो नाउ हमने ये बना दिया बराबर। ओके अभी मैंने क्या बोला था, इसको हमें ऐड करना है, तो गिट स्पेस ऐड माइनस कैपिटल ए, एंटर मारिए। कुछ दिखाएगा नहीं क्या ऐड, उसको देखने के लिए क्या करना है, दोबारा से गिट स्टेटस, वेरी गुड। ठीक है अभी ऐड कर दिया, अभी हमें क्या करना है, कमिट करना है, स्टेजिंग एरिया को कमिट करना है। ऐड तो कर दिया, फिर कमिट करना है, तो गिट कमिट, गिट स्पेस कमिट। ओके आपने अपना कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, तो आप पहले कॉन्फ़िगरेशन करो। ठीक है आपका यूजर नेम क्या है, वो सब मत करो, यूजर नेम क्या है आपका, हाँ, गिट यूजर नेम और ईमेल, हाँ गिट कॉन्फ़िग स्पेस माइनस माइनस ग्लोबल स्पेस यूजर डॉट नेम स्पेस स्ट्रिंग में आपका यूजर नेम,
फर्स्ट कमिट नहीं, फर्स्ट रेपो नहीं, यूजर नेम, आपका यूजर नेम निकी, मेरा यूजर नेम है ऑटोमेशन हब सार्थक, आपका ये एग्जैक्टली स्पेस देके है, निकिता स्पेस वर्दे ही है, देख लो एक बार, चेक कर लो, निकिता वर्दे वन वर्ड है देखो, और स्मॉल में है, आपने कैपिटल क्यों दिया, और स्पेस भी नहीं है, एंटर। हाँ, अभी गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल और स्ट्रिंग में अपना ईमेल, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में गलती मत करना भाई, धीरे धीरे करना, हड़बड़ी मत करना, कुछ गलती हो गया फिर वो लफड़े करेगा फिर। एंटर मारो, अभी आप चेक करो, गिट स्पेस कॉन्फिग स्पेस यूजर डॉट नेम, आपका नाम आ रहा है क्या, कंफर्म हो जाना बेटर है। ओके, आपका नाम आ रहा है, ठीक है। अभी हमने कमिट, अभी दोबारा यहाँ पे गिट स्टेटस करो, एक बार चेक कर लेते हैं, यूजर डॉट ईमेल की जरूरत नहीं, हो गया है, छोड़ दो। हाँ, तो इतना, तो अभी हमें क्या करना है, हमें कमिट करना है, ठीक है। तो लिखो गिट कमिट, गिट स्पेस कमिट, माइनस स्पेस माइनस एम स्पेस, यहाँ पे स्ट्रिंग में कुछ भी लिख सकते हो, फर्स्ट कमिट या एनीथिंग, दैट इज अप टू यू, स्ट्रिंग में कुछ भी आप लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू, एंटर। अभी आप नहीं, ये अभी इस कमांड को कॉपी किया, वहां से कॉपी करो, वो पूरे कमांड को कॉपी करो, हाँ कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी मत करो, काम नहीं करेगा, शिफ्ट इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट, एंटर मारो, शिफ्ट इंसर्ट करो, वहां से ठीक से कॉपी नहीं हुआ, अरे ठीक से कॉपी तो करो, माउस यूज कर रहे हो कि टचपैड यूज कर रहे हो, हाँ कॉपी करो, हाँ, और यहाँ आके कर्सर क्लिक करो, वहां पे एक बार कर्सर क्लिक करो और शिफ्ट इंसर्ट करो, या फिर राइट क्लिक पेस्ट भी कर सकते हो, एंटर मारो। अच्छा, अभी गिट पुश माइनस यू, माइनस यू ओरिजिन मेन लिखो या ओरिजिन मास्टर लिखो, आपको अलाउ नहीं करेगा, अगर बाकी लोग भी कर रहे हो ना तो आपको अलाउ नहीं करेगा, थोड़ी देर रुको, आपको अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, पासवर्ड दो, ये कभी कभी करता है, नहीं उसको इग्नोर मत करो, उसको यूजर नेम पासवर्ड, इसको मैक्सिमाइज करो, एक बार अपना गिटहब के github.com ब्राउजर को रिफ्रेश करो, वो देखो लॉग आउट हो चुका होगा शायद, नहीं अभी भी है ना, तो वो अलाउ नहीं कर रहा, गिट बैश में जाओ दोबारा, देखा, हाँ तो यहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा, हाँ दो यूजर नेम पासवर्ड दो, साइन इन करो, अभी वहां पे चेक करते हैं, हाँ मे बी आपके सिस्टम पे ऑलरेडी, आपके ऑफिस सिस्टम है कि पर्सनल लैपटॉप है, अच्छा ठीक है, करो करो, कोई दिक्कत नहीं, रिटर्न टू द एप्लीकेशन, छोड़ दो, अभी देखो गिट बैश का क्या सीन है। ओके, आपके में गो टू योर गिटहब अकाउंट, गो टू योर गिटहब अकाउंट, वो बिल्ली पे क्लिक करो दोबारा, हाँ क्लिक ऑन दैट फर्स्ट रिपोजिटरी जो लेफ्ट साइड में आपका रेपो है, क्लिक देयर, सो इट इज अलाउइंग यू, वाई, गो टू योर प्रोफाइल सेटिंग्स जो आपका आइकॉन पेज है, गो देयर, हाँ वहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, कम टू सेटिंग्स, कम टू सेटिंग्स, लेफ्ट साइड में कम टू SSH एंड GPG कीज, लेफ्ट साइड में SSH एंड GPG कीज है, राइट क्लिक देयर,
ओके सो इट इज अलाउिंग यू जनरली जिसका SSH की नहीं ऐड होता ना इट जनरली डजेंट अलाउ बट समहाउ इट इज अलाउिंग यू इट नेवर अलाउज मी और इट माइट नॉट अलाउ अदर पीपल सो यू मेक मी दैट मे बी अभी शायद अलाउ करने लग गया हो पहले अगर आपका SSH की नहीं इंस्टॉल हुआ है ना मे बी मैं ओल्ड वर्जन पे काम कर रहा हूँ आप लोग लेटेस्ट वाले गिट पे थोड़े चेंजेस आ चुके हैं जब तक आप अपना SSH की नहीं जनरेट करते वो अलाउ ही नहीं करेगा आपको वो फिर आप इरिटेट होके चले जाओ SSH की जनरेट करना एक छोटा सा टास्क है सो यू मेक मी बैक होस्ट अगेन क्या हुआ यू नॉट एबल टू जस्ट मेक हाँ ओके आई एम द होस्ट नाउ सो आई हैव टू फाइंड सी देर आर सर्टेन चांसेस दैट यू माइट नॉट बी एबल टू पुश द कोड विवेक जी आपका सिस्टम रेडी है कि नहीं किया अभी तक रेडी ओके सो मृणालिनी व्हाट अबाउट यू ओके सो यू हैव टू मेक योर सिस्टम रेडी सो व्हाट विल हैपन इज इन दिस मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सो जनरली व्हाट हैपन्स इज अगर आपके गिट बैश में या गिटहब अकाउंट में इफ यू गो टू इफ आई गो टू माय गिटहब अकाउंट ओके सेटिंग्स में इफ आई गो टू सेटिंग्स सो अनलेस एंड अनटिल आई हैव सी मेरे पास तो मेरा जीपीजी की भी है मेरे पास मेरा SSH की भी है अगर ये SSH की और जीपीजी की आपने नहीं डाल रखा तो आपका ये काम नहीं करेगा सो मैं क्या काम करता हूँ मैं अभी अपना ये SSH की डिलीट कर देता हूँ आई अंडरस्टैंड प्लीज़ मैं आप लोगों के लिए अपना SSH की डिलीट कर रहा हूँ ठीक है आई हैव डिलीटेड माई SSH की नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना एग्जिट थ्रू ओके आई डोंट वॉन्ट टू ओके फाइन आई विल डिलीट माई जीपीजी की ऑल्सो आई डिलीट एवरीथिंग ओके नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ आप लोग ध्यान से देखो न्यू अंडरस्कोर प्रोजेक्ट ठीक है नाउ आई विल क्रिएट ए न्यू फाइल टेस्ट ठीक है सो नाउ आई विल गिट बैश हियर मैं अभी एक नया रिपोजिटरी बनाता हूँ जस्ट फॉर यू गाइस आई एम मेकिंग ए न्यू रेपो लेट्स से मेरे रेपो का नाम है चेक रेपो ठीक है मैंने क्रिएट कर दिया सो आई एम गोना कॉपी दिस पर्टिकुलर थिंग नाउ मे बी थिंग्स हैव चेंज मे बी इट विल अलाउ यू मी टू और जनरली पहले नहीं करता था सो वी हैड टू क्रिएट आवर यू नो ओरिजिन मास्टर वगैरह SSH कीज JPG कीज मे बी दिस थिंग हैज चेंज राइट नाउ बट पहले नहीं अलाउ करता था पहले यू हैड टू क्रिएट योर SSH एंड JPG कीज एनीवेज SSH कीज एंड JPG कीज आर एसेंशियल टू मेड क्योंकि अगर आपने नहीं बनाया तो कल को सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं और हो सकता है बहुत बड़ा बड़ा कोड आपको अलाउ ना करे ये एक छोटा सा कोड पुदू सा कोड आपको अलाउ कर रहा है बहुत बड़ा बड़ा कोड नहीं अलाउ करेगा चेक रिपो में मैं जा रहा हूँ तो देखिए टेस्ट डॉट TXT यहाँ पे बराबर कर रहा है दिस इज अलाउिंग मी टू वन कॉन्ट्रीब्यूटर बट वेन देर आर मल्टीपल कॉन्ट्रीब्यूटर्स देर कुड बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम सो आई विल स्टिल आस्क यू गाइज टू मेक श्योर दैट यू क्रिएट योर SSH कीज सो वॉट यू हैव टू डू You click here
go to settings, SSH and GPG keys, okay? इसको ऐसे ही छोड़ दो, don't tamper this page, let this page be like this. Generating SSH keys, right click, open link in new tab. Okay, so now the first part you have to do is you will have to, यहाँ पर एक लिंक है, generating a new SSH key and adding it to the SSH minus agent. Click here. ठीक है, copy paste this particular command. Control C, I go here, shift insert, but I will change it to my email ID. automationhubsarthak@gmail.com. This is my first thing. Enter file in which you want to save the key. कुछ करने की जरूरत नहीं, just hit enter. Overwrite कुछ करने की जरूरत नहीं है, you just hit enter. ठीक है, so let's say, अच्छा if it asks for, ये हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, overwrite भी नहीं किया मैंने. Now there is another command which is this particular part, eval ssh minus agent s. Copy करो, come here, shift insert. Okay, it is giving me, क्योंकि मैंने बहुत पहले से ये सब करके रखा हूँ. ठीक है, then I will copy this particular command. Identity add इसने कर दिया. ठीक है, now there is another link, yeah, this one you have to open. See, this will take some time for you to do. Now you'll have to copy this particular command, control C. Oops, sorry. अब मुझे शायद वहां पे overwrite कर देना चाहिए था, मैंने नहीं किया. So once this is done, वो जो पेज मैंने छेड़ने से मना किया था, दिस वाला पेज, न्यू SSH की पे क्लिक करो, जस्ट पेस्ट, आपका की इधर ऐड हो गया, माय SSH की, ऐड SSH की, सी मेरा SSH की बन गया. वैसे ही GPG की का भी एक टिपिकल वे है, आपको इसको भी करना पड़ेगा. मैं GPG की का भी बता देता हूँ, इस वीडियो में दोनों ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ यू हैव टू गो टू मेक योर न्यू GPG की, बिगिंस विद एंड्स विद में होता है. ठीक है, सो देर आर सर्टेन सेट ऑफ कमांड्स विच यू हैव टू फॉलो. सो एनीवेज, मैं सारे कमांड आपको दे दूंगा, मुझे याद है क्योंकि मैं ये बहुत कर चुका हूँ. GPG माइनस माइनस फुल, देन जेनरेट माइनस की, नहीं सॉरी आई डिड अ मिस्टेक, फुल माइनस जेनरेट माइनस की, दिस इज द फर्स्ट कमांड. So this will give you an option की, okay, यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं, your selection. If you see whatever git I'm using, I think I don't need to select anything. So I'll choose the default, I'll click on enter. So by default, it will take RSA and RSA, which is by default here. अभी ये बोल रहा है, what key size do you want? It is giving me suggestion 2048. I will type 4096. So is key valid for zero and all? You don't have to literally bother about this. You can just कितने time में expire होगा? भाई मुझे unlimited time के लिए रखना है. I'll just click on enter. So key does not expire at all. Yes. ठीक है, तो यहाँ पर हो गया. तो हमारा last command क्या था? GPG minus minus full minus generate minus key. Now I will give this command GPG. माइनस माइनस डिफॉल्ट, मैं आपको सारा कमांड दूंगा, डोंट वरी. माइनस की डिफॉल्ट न्यू माइनस की माइनस ALGO स्पेस RSA 4096. मैंने वहां पे 2048 नहीं सिलेक्ट किया था. जो आप यहां पे 4096 करोगे या 2048, यहां पे वही देना पड़ेगा. माइनस माइनस जनरेट दिस पर्टिकुलर की, ये इस कमांड का सिंटैक्स है. एंटर. ईमेल एड्रेस आपको पता है, automationhubsarthak@gmail.com. कमेंट GPG की चेक.
Everything is okay. I am pressing O. हाँ, मैं यहाँ पे एक पासवर्ड दूंगा विच विल बी सिक्योर, कोई नहीं बता पाएगा. दोबारा पासवर्ड मांगेगा, आपको भी मांगेगा. यू क्लिक ऑन ओके. नाउ आफ्टर सम टाइम, तो ये मेरा जीपीजी की रेडी कर रहा है. जीपीजी की इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. यस आई अंडरस्टैंड. फिर मैं इसको एक लॉन्ग फॉर्मेट में देने की कोशिश करूंगा. माइनस लिस्ट माइनस सीक्रेट माइनस कीज स्पेस माइनस की आईडी माइनस फॉर्मेट इक्वल टू लॉन्ग. दिस इज माय पार्ट ऑफ इट. ठीक है, मैं लॉन्ग फॉर्मेट में अपने जीपीजी की को इसमें एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ. वंस आई डू दिस इट विल क्रिएट माय जीपीजी की. सो नाउ द बेस्ट पार्ट इज इफ यू सी माय जीपीजी की इज एक्चुअली दिस पर्टिकुलर जेंटलमैन, दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये इतना सा. मैं इसको उठा रहा हूँ, इसको राइट क्लिक करके कॉपी करना, और अगर हो सके तो एक नया नोटपैड पे इसको सेव कर लो. ये पर्टिकुलर नोटपैड पे सेव कर लो. ये पर्टिकुलर नोटपैड पे आपने सेव कर दिया. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज यू हैव टू, अभी इसको, इस की को आपको आर्मर देना पड़ेगा. दैट मीन्स यू आर मेकिंग इट इवन स्ट्रॉन्गर. माइनस माइनस आर्मर माइनस माइनस एक्सपोर्ट दैट पर्टिकुलर वैल्यू शिफ्ट इंसर्ट. ओप्स सॉरी. ओके, जैसे ही आप ये करोगे दिस थिंग विल कम. तो आपको अभी क्या करना है, ये आपका जीपीजी की है. जस्ट इमेजिन द साइज ऑफ दिस जीपीजी की. आपको यहां से बिगिन्स को भी नहीं छोड़ना है. ओके, देयर इज सम गड़बड़ी, वो देखेंगे. ओके, लेट मी राइट दैट कमांड वंस अगेन. जीपीजी माइनस माइनस आर्मर माइनस माइनस एक्सपोर्ट. फिर मैं वो देता हूँ वाला दोबारा. कंट्रोल सी पेस्ट. अच्छा हाँ, वो डबल मार दिया था मैंने, तभी इतना बड़ा हो गया था. इतना बड़ा होता नहीं है जनरली. बस तो कॉपी पेस्ट भी बराबर करना है. यहाँ से इसको कॉपी करो. ठीक है, ये नोटपैड में इधर पेस्ट कर दो. ये पूरा कॉपी हो गया. कंट्रोल ए कंट्रोल सी. यहाँ पे जाओ, जीपीजी कीज वाला वो जो था, राइट क्लिक पेस्ट ऐड जीपीजी की. देखो आपका जीपीजी की भी तैयार हो गया, आपका एसएसएच की भी तैयार हो गया. तो इतना बड़ा तो होता है आपका जीपीजी की. यहाँ से यहाँ तक पूरा पेस्ट करना पड़ता है. और ये बिगिन पी वो, और ये मत छोड़ना, इसको भी आपको डालना ही पड़ेगा इसके पास. और आपका एसएसएच की भी तैयार है, आपका जीपीजी की भी तैयार है. तो अभी योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज जीपीजी की एंड एसएसएच की आर इम्पॉर्टेंट. सी, जीपीजी कीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर गिटहब बिकॉज इट अलाउज अदर्स टू नो दैट यू मेड द कमिट. ठीक है, अगर आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो, पांच लोग काम कर रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ओके, सो इन अ प्रोजेक्ट देर इज सुमन, देर इज अशरफ, देर इज विवेक, देर इज ब्रामो, देर आर सम अदर पीपल, एंड यू ऑल आर वर्किंग फॉर वन प्रोजेक्ट. यू आर ऑल वर्किंग फॉर वन प्रोजेक्ट इन वन रिपोजिटरी. मान लो आप सारे एक ही रिपोजिटरी, इसी रिपोजिटरी में काम कर रहे हो, लेट्स से दिस चेक रिपो में काम कर रहे हो. सो रामू इज, लेट्स से रामू इज पुशिंग द कोड अर्ली मॉर्निंग. सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल दिस इज रामू. रामू इज वर्किंग ऑन द सेम थिंग. वन सेकेंड यार, माई इंटरनेट, माई सिस्टम एंड समहाउ दिस एमएस पेंट ऑल्सो इज, देखो हैंग हो गया. गॉड, ओके, दिस इज 11. सपोज रामू, रामू इज वर्किंग अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइम में काम करता है भाई ये. ही विल पुश द कोड. देन पूनम कम्स इन द आफ्टरनून एंड पूनम विल पुल द कोड, पुल फ्रॉम रामू. ओके, इन द आफ्टरनून, बिकॉज शी इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द सेम. तो उसको कैसे पता चलेगा कि रामू ने कोड पुश किया है. दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाई, दिस इज व्हाई जेपीजी, दिस जीपीजी कीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट.
this SSH key and GPG keys are extremely important for letting you know that who is doing, किसने कोड पुश किया, किसने कोड खराब किया, किसने कोड अच्छा काम किया. सो ऑल दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ओके, बिकॉज इट विल गिव यू हु डिड दिस पर्टिकुलर वर्क. सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट हियर गिट लॉग. सो ये क्या बोल रहा है, दिस कमिट वॉज डन एट दिस पर्टिकुलर टाइम, जुलाई 11th ए संडे एट दिस पर्टिकुलर टाइम, बाय हुम, बाय दिस गाय. So if you pull my code and then you will do certain change, मैं अगर git log करूंगा ना, let's say Vivek Sharma will do something with my code and he'll push it, मैं वो code को pull करूंगा and then I will check git log who did it, लिखेगा Vivek Sharma did it, मतलब who is the author, Vivek Sharma. If there are multiple authors, which author did what point of change at a certain, you know, time, सब कुछ बताएगा ये. So ये हमारा बहुत ज़्यादा important factor है. So everybody try to add your SSH key as well as your GPG keys. मैं आपको notepad पे अपने group में how to add these, मैं सारे steps आपको एक एक करके बता दूंगा. Even though you will be able to push your code, but at some point of time, बहुत बड़ा बड़ा code शायद वो allow ना करे. एक simple text he is allowing, but maybe in a certain future it might not allow. तो आपका SSH की और GPG की होना बहुत जरूरी है. एनी क्वेश्चंस यू गाइज हैव सो फार इन गिट एंड गिटहब? अभी गिट एंड गिटहब खत्म नहीं हुआ है, बट आई विल स्टॉप माय सेशन राइट नाउ. आई विल टेक अप सर्टेन डाउट्स. सो एनी डाउट्स सो फार? ऑफ कोर्स डोंट आस्क मी सर इसके कमांड्स कैसे याद रखें. यू डोंट हैव टू, इट विल टेक टाइम. मैं इस चीज़ों पर बहुत सालों से काम कर रहा हूँ तो मुझे याद है. आपको शायद ना रहें, थोड़ा टाइम लगेगा, बट दैट्स ओके. एनी डाउट्स please go ahead and ask. Okay. What about you? Akash, Minalini, Poonam, Suman, Vivek ji. Okay. Can't hear you, Poonam. Hello. Poonam, you're not audible. Come again. Huh, now tell me. डेफिनेटली, क्योंकि एक बार में नहीं होगा. मेरे से एक बार में हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि एक बार में होगा. सी, वॉचिंग मी डू थिंग्स इज ईजियर. इफ वेन यू स्टार्ट डूइंग इट ऑन योर ओन, यू विल स्टार्ट फेसिंग सर ये नहीं हो रहा, सर ये नहीं हो रहा, सर यहाँ अटक गया, मैं वहाँ अटक गया. मैं चाहता हूँ अटको, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल देयर आर हर्डल्स यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसीड फर्दर. अगर सब कुछ स्मूद हो गया तो व्हाट्स द पॉइंट. ठीक है, सो आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल असाइनमेंट. योर स्मॉल असाइनमेंट इज दिस. और कल आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने, तीन चार लोगों ने मेरे को बताया कि उन्होंने दिया और बाकी लोगों ने नहीं दिया. सो एवरी वन वट दे विल डू इज दिस. यू विल फर्स्ट, कोई भी एक अपने डायरेक्टरी में, एनीथिंग, आई डोंट केयर, यू क्रिएट इन योर डायरेक्टरी, क्रिएट ए फोल्डर. जैसे मैं आपको समझा रहा था, राइट? इनसाइड दिस फोल्डर क्रिएट थ्री टेक्स्ट फाइल्स एंड थ्री एक्सेल शीट्स. ठीक है, and then all you have to do, of course you will create a repository in your GitHub account, a new repository, make it public. You can do this much. Fourth is add your SSH key and add your GPG key. And bhai log, GPG key ka password mat bhulna, please. Otherwise if you forget, please do not forget this passcode. If you forget, आपको GPG की ही delete करना पड़ेगा, नहीं तो फिर काम नहीं करेगा. Add your SSH key and add your GPG key. उसके बाद the fifth part is in that particular folder you have created, in that project folder you create your you initialize your git. Okay, then your task is to add, then commit, then push to repo, that is GitHub repo, which is nothing but your master. All the steps that I have told you. Obviously,
आप इससे ये सब करने से पहले मेक श्योर यू हैव कॉन्फिगर्ड योर यूजर डॉट ईमेल एंड यूजर डॉट नेम विथ योर गिट. ये सारी चीजें आप करोगे एंड देन यू विल चेक इन योर गिटहब अकाउंट इन दैट पर्टिकुलर रिपोजिटरी. लेट्स से मेरा ये चेक रिपो, ये आप कर दोगे तो मुझे आप बता देना कि मैंने ऐसे यहाँ पे, मैं जब आप मुझे ये दोगे ना, मुझे आपका यहाँ पे ऑटोमेशन हब सार्थक है. लेट्स से विवेक शर्मा आएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट चेक होगा मेरे रिपो का नाम, और आपका कोई भी आप दोगे रिपो का नाम. यहाँ पे मेरे को 3 टेक्स्ट फाइल्स और 3 एक्सेल शीट मुझे इधर दिखनी चाहिए, प्लस ये सेटिंग्स में जाके आप एसएसएचएन जीपीजी कीज में ये वाला स्क्रीनशॉट भी भेजोगे. ये दो चीजें आपको करनी है. दीज आर योर टू टास्क. योर दिस इतना करोगे, फाइनली आफ्टर पुशिंग सेंड स्क्रीनशॉट ऑफ योर रेपो एंड स्क्रीनशॉट्स ऑफ योर एसएसएच एंड जीपीजी कीज. सो आज के आज ये होमवर्क हो जाएगा. हाँ जी पूछिए. आप एक बार कर दो, वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा. जब तक आप मतलब देखो, एक बार आपने एसोसिएशन जीपीजी कीज बना ली ना, ये जो एसोसिएशन जीपीजी की ना, ये पर्टिकुलर रेपो के लिए नहीं होता, ये पूरे आपके प्रोफाइल के लिए है. हाँ ठीक है, अपग्रेड. ये पूरे आपके प्रोफाइल के लिए. तो ये जो बना है ना मेरा एसोसिएशन जीपीजी कीज, ये ऑटोमेशन हब सार्थक के लिए. मैं ऑटोमेशन हब सार्थक में 2000 रिपोजिटरी करूं, इन कीज को कोई मतलब नहीं. ये भाई साहब सबके लिए, आपके प्रोफाइल, दीज आर फॉर योर प्रोफाइल. दीज आर नॉट स्पेसिफिक टू वन पर्टिकुलर रिपोजिटरी. रिपोजिटरी को भी स्पेसिफिक बना सकते हैं. जैसे मान लो आपने एक रिपोजिटरी बनाया, न्यू रेपो, और आपने उसको प्राइवेट किया. मतलब आप अपने, आप अपने कोड को छुपाना चाहते हो, बराबर, आप शेयर नहीं करना चाहते किसी के साथ, तो उसको और सिक्योर कर सकते हो. लेकिन वो बहुत दूर की बात है, उतना आगे का मत सोचो. ये जो चीज है, ये जो जीपीजी कीज वगैरह जो भी है, ये आपके प्रोफाइल के लिए. इससे आपको ये आपके लिए, एक बार बना दिया बस आपका टेंशन खत्म. अनलेस आपने मेरी तरह डिलीट कर दिया दिखाने के लिए. आप डिलीट करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा इसमें डालने के लिए. तो आप इसको बनाओ, संडे का दिन है, करो. मैं आपको सारे के सारे स्टेप्स दे दूंगा. वीडियो तो रिकॉर्डिंग करी हो ही रही है, वीडियो तो आप देख ही लेना. उससे पहले मैं आपको हाउ टू ऐड एन एसएसएच की, हाउ टू ऐड ए जीपीजी की, स्टेप बाय स्टेप नोटपैड में अभी 5 मिनट में कॉल खत्म होने के बाद देने वाला हूं. एनी फर्दर डाउट्स? सो गाइस, वी आर गुड. ओके कूल. सो मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं.